हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ की तरफ से जो हमारा ये पुलिस की भर्ती पर कोर्ट केस था, उसके लिए जो कल वीडियो बनाई थी, लेटर आ गया है कोर्ट का, वो ऑफिशियल लेटर देख लीजिएगा। और ये जो न्यूज़पेपर का है ये नोटिस या फिर ये अपडेट, ये देखिए, 6000 से ज़्यादा चयनित महिला व पुरुष कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर हाईकोर्ट की रोक जारी, स्टे लगा है। क्या बोला है, हरियाणा में 6000 से ज़्यादा जो सेलेक्टेड मेल और फीमेल कांस्टेबल हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने पर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने रोक स्टे बरकरार रखी है। मामला 5 जुलाई के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड के जरिए मेरिट सूची बनाने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल की नियुक्ति वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिखित आदेश जारी किए थे, जबकि पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से स्वीकार किया था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र नहीं किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने, मैं बताती हूँ क्या, सरकार ने बोला कि हम किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने किया क्या कि भाई, सरकार ने पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। 3087 उम्मीदवार नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद ज्वाइन कर चुके हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त स्कोर में सोशियो इकोनॉमिक क्रिटेरिया के अंक जोड़े गए हैं, इसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। परसेंटाइल फॉर्मूले से परिणाम जारी करने के विरोध में 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उसके बाद आयोग परसेंटाइल स्कोर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्रिटेरिया आधार के अंक जोड़ रहा है और इससे मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। ऑब्वियसली सुनिए मेरी बात, अगर आपको 60 नंबर आए हैं रिटर्न में, तो आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, रिटर्न में आप सोशल इकोनॉमिक क्रिटेरिया के मार्क्स नहीं जोड़ सकते। वो जब आपकी फाइनल लिस्ट बनती है उसमें, मतलब जब ये, यही तो बोला, समझो इस बात को कि आयोग परसेंटाइल स्कोर के अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्रिटेरिया के अंक जोड़ रहा है, जो कि गलत है। आप फॉर्मूला लगा रहे हो नॉर्मलाइजेशन बेस्ड का, जैसे DSSB, SSC, रेलवे, हर कोई हर बोर्ड लगाता है, तो आप उसमें ये अंक नहीं जोड़ सकते। आप जो अलग से अंक होते हैं आप उसमें जोड़िए। अब कोर्ट की वो देखें नोटिस, ये लीजिए, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और ये ऑर्डर भी आ गया है। लिस्ट ऑन 5/7/2023, मतलब 5 जुलाई की आपकी डेट मिली है। इंटरिम ऑर्डर टू कंटिन्यू, केस लगातार जारी है, डिस्पोज नहीं हुआ है। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर भी प्लेस ऑन द फाइल ऑफ द कनेक्टेड केसेस। इसी ऑर्डर की फोटोकॉपी जो इनसे कनेक्टेड केस हैं, मिसलेनियस जो केस है उनके साथ जोड़ दी है। देख लीजिए केस क्या क्या है। राकेश सिहाग जो कि मेन केस है, और प्रेजेंट मिस्टर अंकुर सिधाव एडवोकेट हैं पिटिशनर के। कितनी CWP लगी हैं, कोर्ट रिट पिटिशन 25505, 26248, 26458, 26763, 26900। उसके बाद CWP नंबर 102 ऑफ 2022, ये देखिए सुमित सांगवान एडवोकेट हैं इन पिटिशनर के, भूपेंद्र मलिक इनके हैं। लेकिन सबको मेन केस के साथ अटैच कर दिया है, मतलब जब 5 जुलाई को सुनवाई होगी तो सबकी एक साथ होगी, क्योंकि सबका इशू एक ही है, एक ही मैटर है। गाइज, आपको अपडेट कैसे लगे ज़रूर बताएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल थ्रू द टेलीग्राम लिंक। आई विल ड्रॉप डाउन द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल ड्रॉप डाउन द लिंक ऑफ द टेलीग्राम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो दैट यू कैन ईजिली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।